जी जी बोले। बेचारा और अपना इंजाम देखता दिया अल्लाह, ये इतना बेबस हेलो, है आज। मैं बहुत आप बोल सकते हैं एक मिनट के लिए, सुनिए बट साहब एक सेकंड के लिए राजा साहब को बोलने दें, ये भी पीपल्स पार्टी के हैं। जी बोले राजा साहब। जी जी मैं जो अभी अभी मतलब फरमाया ना कि आपका आपका हमारा बच्चा आगे नहीं जा सकता। अच्छा एक सेकंड, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट के लिए होल्ड करें जरा, प्लीज इनसे बात करें। जी बोले जी। नहीं, मैं हैरान हूँ कि जब से पीके इकदार में आई है, जी जब से इमरान खान 2011 पर बद अखलाकी के यानी के नमूने पेश कर दिए इनके खुद और इनके फॉलोअर्स, इंतहाई बद अखलाक, इंतहाई बद किरदार और बिल्कुल खड़े की जुबान बोलते हैं। ऐसे लगता है कि जो नेग्लेक्टेड बच्चे थे अपने घरों में, उन सबको उठा के कैबिनेट में उठा दिया गया है। बहुत अच्छा है, बताइए आपको इतराजात क्या है? इतराजात बताइए। एडिसन कॉलेज स्कूल कुछ बगाड़ी का प्राइम मिनिस्टर का जी, आप क्या सोचे, आपकी हालात है, आप इतराजात बताइए। अरे एक सेकंड, मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉल आ गई है, एक मिनट के लिए। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपके ख्यालात का मुझे, लेकिन आप इतराजात। मेरे भाई मेरे साथ पाकिस्तान से भी कॉल आ गई। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वो ड्रॉप हो गई। चले जी बोले आप। वालेकुम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पाकिस्तान से कॉल है, बस की सन है। जी हेलो जी बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बोले। मैम क्या हाल है, ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? ठीक है जी, ठीक है मैम। पता चल लग गया फिर कि हमने जो कुछ कहा था वो सारा सच हो रहा है जी। कहां गए वो दीवाने मस्ताने, सारे भाग गए सारे, हमने जो बातें की थी वो सारी सच्ची हो रही है। तो यानी कि आपको लग रहा है कि आदम एतमाद आने वाला है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, आप ये कह रहे हैं? एक जरदारी सब पे बारी, वो एक आदम जरदारी तो हमेशा सब पे बारी रहा है। मेरी बात सुनिए, खरीद 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 कर सदारती महल में घोड़े जमा किए हुए थे, अरे पाकिस्तान से जो एक कॉलर है उनकी भी बात सुन ले प्लीज। आपके लीडर ने 24 घंटे का टाइम दिया था, वो कल खत्म हो रहा है, वो सामने आ जाएगा कल, हम आएंगे लाइफ पर। कोई बात नहीं, हम उधर ही है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम उधर ही है, भाई मैं भी इधर ही हूँ, मेरा भी बंदा बात करने का, भाई मैं भी इधर ही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, वो पाकिस्तान से अर्ली मॉर्निंग आए हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उनको बोले बोले जी बोले जी बोले बोले जी बोले। आप सवाल करें, आजकल जो तहरीके इंसाफ के लोग हैं उनकी दिमागी हालत जो है ना वो बिल्कुल खाली है। वो कहते हैं ना कि साइकिल ग्रुप जो समझते थे कि खान साहब साइकिल पर वजीर आजम हाउस जाया करेंगे, ठीक है, एक था इनके अंदर खुश फैमिली ग्रुप जिनको यकीन करेंगे, ये हमने कभी नहीं कहा भाई। इमरान खान ने कोई स्टेटमेंट आप बता दें कि मैं वो साइकिल पर जाया करेंगे, वो वजीर आजम सोशल मीडिया के मेरे ख्याल में जरदारी साहब तो मौलवी है, एक सेकंड एक सेकंड। जी जी हेलो जी, एक सेकंड इनकी बात भी सुन ले। जी हेलो जी, जी हेलो जी, मैं ये बात कहना चाहती यार कि तमीज तहजीब शाइस्तगी ये किस चिड़िया का नाम है, ये तो नजर ही नहीं आता है बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बन गए इमरान खान साहब, अब तो उनके फॉलोअर्स भी उनके हिमायती भी ये बात भूल चुके हैं कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में कौन कौन से दावे वादे किए थे, और इस कदर ये लोग बुजदिल लोग हैं कि आपका भुट्टो पर भी अटैक करवा दिया ड्रोन से, तो कोई कोई तरीका कार होता है। आप जो है वो कभी काबिना छोड़ी रखने वाले थे, जो इन तमाम लोगों के ऊपर इल्जाम चढ़ाने वाले, इनको अदालतों की सजा दिलाने वाले थे, आप को अंदर लेने वाले थे, तो आप तो सब कुछ करने में नाकाम हुए, कौन से इल्जाम चढ़ाए थे आपने, किस चीज का प्रूफ आपने पेश किया आवाम को, जब आपने बेवकूफ बनाया और आप कायद आजम के जाते कायद आजम के होते न्याय से छीन लेते थे गालियों की तरह, आप जो है वहाँ पे खिताब करते और नाम मिलाते कायद आजम को। शहीद कर दिया और अब बीबी शहीद की बेटी थी, उससे भी कौन सा हो गया, आप लोगों ने उसके ऊपर अटैक करा दिया, लेकिन आप याद रखिए कि आप जितना दूसरों के ऊपर थूकते हैं वो थूक आपके मुंह के ऊपर आकर गिरता है, और पीपल्स पार्टी ही मरे नेक्स्ट लेवल तक, पीपल्स पार्टी नहीं मरेगा, और उसी के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा, ठीक है। कम अज कम उन्होंने झूठे वादे नहीं किए, रात अगर कि झूठे ख्वाब नहीं दिखाए, चोर डाकू कह के अपने साथ उन्हीं लोगों को बिठा के अपनी काबीना बनाई, जिन लोगों को आपने अपने जी 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 जिन लोगों ने आपको अपने जिन लोगों को आपने अपने एटीएम कार्ड बनाया था, अली भट्ट, अली भट्ट आपने
बहुत शुक्रिया, चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी जनाब जी जी बोले जी 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 हेलो 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 हाँ जी बोले जी। मुझे तो लगता है बात होने लगी, आपने जो कॉन्फ्रेंस कॉल का सिलसिला शुरू किया है ना जी, इससे पूरा प्रोग्राम तबाह हो गया। अच्छा, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, कोई किसी को बोलने ही नहीं दे रहा, मतलब मिसबा साहब ना मुझे लग रहा है आप घर जाए चाय पी, इनको प्रोग्राम दे दे, पूरा प्रोग्राम वही कर लें। चले ठीक है, आप सिर्फ यही कहने आए थे कि अपना ओपिनियन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, बता दें। चले ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे, मैं स्टॉप करूंगी, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, आपको देना ओपिनियन तो दें, जल्दी से बताएं, जल्दी बोलें, बोलें। आप बताएं कि क्या चल रही है, क्या हुकूमत जाने वाली है, क्या आदम एतमाद जो ये जो जहांगीर तरीन के ग्रुप में मिल रहा है जी, इमरान खान साहब, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी जी। ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले में उनकी गली में किसी ने उनके दरवाजे के आगे कचरा फेंक दिया है। अच्छा, तो आपने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अभी जाने वाले नहीं है, अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, आपने ये कहा? अदम एतमाद आएगी तो कामयाब होगी ना, यानी कि आएगी भी नहीं, आपने कहा ये ओपिनियन है? अभी आने का इम्कान नजर नहीं आ रहा मुझे, तो यानी कि अभी जो इतने बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, अपोजिशन इतने बड़े दावे कर रही है, चले अभी एक मिनट के लिए इनका भी ले लेंगे, पाकिस्तान से कॉलर, ये क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे भाई इनकी बात पर जी? हाँ जी बोले जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके अपने लोग इनकी जो है ना इनकी कब्रें खोद रहे हैं अपने लोग जी, तो बाहर वाले तो खोदे ना खोदे, अब देखिए 70 लोग जो है ना पंजाब से एमपीए जो है वो इनका साथ छोड़ गए हैं, ठीक है, उन्होंने हम ख्याल ग्रुप बना लिया इंसाफ का, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं? 24 घंटे के बाद पता चल जाएगा की क्या ख्याल बना लिया, तो आपकी सोच है, आपके ख्याल है, हम आपके ख्याल की खबर करते हैं, आपकी सोच को, आपकी सोच है आपकी भाई के अंदर वो लिया जी 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 नहीं आप नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरे साथ एक और कॉलर है, बहुत सारे कॉलर जी बोले जी, फारूक साहब आपको एक चीज बताता हूँ ताकि आपको जी बताएं, बेताशा बंदे ये दूसरे बंदे, नए कॉलर है सारे के सारे जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ जी। भुट्टो जो है वो सऊदी के दौरे पे जा रहे थे भुट्टो, ठीक है, तो किसी ने उसको बोला सर 700 हत्तियों को डिपोर्ट कर रहे ओमान के अंदर, उसने कहा था करो जांच उतार दो ओमान में, जब ओमान में जांच उतर गया तो काबूस का लड़का उसको लेने आया, बोला भुट्टो साहब आपका दौरा तो सऊदी का था, आप यहाँ क्यों उतर गए? बोला मैं सऊदी जाके क्या करूंगा, तुम लोग मेरा पाकिस्तानी 700 आदमी डिपोर्ट क्यों कर रहे हो? उसने फौरन अपने वाले साहब को बताया कि भाई उसने अपना दौरा सऊदी का कैंसिल कर दिया, वो कह रहे मुझे पहले बंदे में अपनी जान से लेके जाऊंगा वापस पाकिस्तान। ताबूत ने, ये मेरी आंखों देखी बात है, ताबूत ने कहा फौरन 700 आदमियों को उठाओ बसों में और हर कंपनी के आगे जाओ 10-12 और अभी अपने अपॉइंट करो, भुट्टो का दौरा कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो भुट्टो साहब से प्यार करता था हुकूमत बन के, अब आ गई है हुकूमत आपके सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अब ये चूज करेंगे कौन अच्छा और कौन बुरा, इमरान खान को हटाने से पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वो देख चुके हैं कि ये मुल्क अब तक क्रिमिनलों के हाथ में था, क्रिमिनलों से निकाल रहे, क्योंकि सबने देख लिया, गंडा कोला वाली को भी देख लिया, जहाजों पे भी देख लिया, औरतों के जरिए इंग्लैंड पैसा जा रहा है वो भी देख लिया, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी बन गई, स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टी बन गई, हम गरीबों का पाकिस्तानियों के पैसे तो लोग ऐसी कर रहे हैं, आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, देखे मेरे बंदे हैं आर्मी में, मुझे अब आर्मी मॉनिटर कर रही एडमिनिस्ट्रेशन, और वही हुकूमत आएगी जो मुखलिस होगा, जो पाकिस्तान के साथ
चलिए ठीक है।